हेलो बच्चों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास टेंथ में आइसोमेरिज्म कितना पढ़ना है ठीक है कार्बन कंपाउंड में हल्का फुल्का हम लोग को आइसोमेरिज्म के बारे में आइडिया चाहिए देखो आइसोमर्स होता ही क्या है द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज नोन एज द आइसोमर्स एंड दिस फेनोमिना नोन एज द आइसोमेरिज्म अब देखो टेंथ के स्टैंडर्ड में बहुत कम ही है आइसोमेरिज्म हम लोग को सीखना है कुछ कुछ आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन अच्छा सबसे बड़ी बात है आइसोमर मिथेन इथेन एंड प्रोपेन इन लोगों के लिए नहीं होती है ठीक है ना मीथेन के लिए पाया जाता है ना इथेन के लिए होती है ना प्रोपेन के लिए होती है आइसोमर स्टार्ट्स फ्रॉम द एलके ब्यूटेन ठीक है अच्छा ब्यूटेन के आइसोमर देखो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटेन C4 फोर एंड एच टेन ना देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री this compound having IUPAC name butane and the common name is n butane n means normal butane this is the first isomer of butane next butene के another isomer जब हमको draw करने बोला जाएगा तो हमलोग क्या करेंगे? ये chain को disturb करेंगे. chain से एक carbon को खोल के देखो हम इधर hanging करवा लेंगे. that is the CH3. ठीक है टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मिला के देखो बेटा वन टू थ्री फोर इधर भी कार्बन है वन टू थ्री फोर इधर भी कार्बन है हाइड्रोजन देख लो इधर थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन प्लस थ्री टेन हाइड्रोजन ही थ्री प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री कुल मिला के टेन हाइड्रोजन बट दिस कंपाउंड नमीन क्लेचर करना है इसके देखो नमिन क्लेचर कैसे होगी टू मिथाइल बिकॉज टू पोजिशन में एक सबस्टिट्यून ग्रुप इज अटैच्ड तो टू मिथाइल प्रोपेन, ओके और इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी आइसोब्यूटेन। ये एक ब्रांच अगर कार्बन के साथ होती है दैट टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज द आइसो कंपाउंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ नेक्स्ट दैट इज पेंटेन सी फाइव एच ट्वेल्व देखो फर्स्ट आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे लगातार पांच कार्बन को सेट करेंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है इसके आई यू पी एस सी नेम इज पेंटेन एंड कमन नेम बेटा इन पेंटेन दैट इज नॉर्मल पेंटेन ओके नेक्स्ट आइसोमेटिक इसी के तरह एक कार्बन में ब्रांच बनाएंगे तो हम दूसरे ही कार्बन में देखो ब्रांच बनाएंगे वन टू थ्री इधर ही हो गया दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ अब आई कैसे करेंगे सब्सटीटेंट हो गया ये चार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज चेन और पांच कार्बन का नहीं है तो आई में ये कभी भी पेंटेन नहीं हो सकती है तो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड बिकॉज सब्सटीटूएंट जिस कार्बन में अटेच है दैट कार्बन गेटिंग द लिस्ट नंबर सो दिस इज नोन एज द टू मिथाइल चेन चार कार्बन का क्योंकि है सो so ब्यूटेन एंड इसी के तरह इसके नाम भी क्या लिखेंगे आईसोपेंटेन ये मजेदार है जब कॉमन नेम होती है तब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को लिया जाता है लेकिन जब आई होती है उस समय लंगेस्ट कार्बन चेन को लेते हैं अगेन वन मोर आइसोमर कैसे ना हम लोग एक ही कार्बन में दो दो ब्रांच बनाएंगे दो दो मिथाइल को लटका देंगे ये भी पॉसिबल है पेंटेन के लिए तो कार्बन नंबर वन टू थ्री दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन And there are two more substituent, dodo -do methyl attached to the same carbon atom. Both the methyl, QK attached with the carbon number 2, so we have right here 2, 2 dimethyl. You should give comma between two number and dash between the number and uh, any word. और फर्स्ट लेटर शुड भी कैपिटल बाकी कहीं पे कोई कैपिटल नहीं होगी कोई स्पेस बार भी नहीं होगी तो ज़ाई मिथाइल चार तीन कार्बन की चेन है तो प्रॉपर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द नियो आइसोमर बिकॉज एक ब्रांच होने से आइसो एक ही कार्बन में दो दो ब्रांच होने से दैट इज नोन एज द नियो सो दिस इज नियो पेंटेन अगेन बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कार्बन हैज बीन टेकन सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ आइसोमर्स um, ये सभी जगह पे आप गुण गिनती करके देखो same, question, जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सेम बट दे आर आर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। वन मोर क्वेश्चन जो आजकल सैंपल पेपर में बहुत आ रहा है दैट इज ब्यूटीन के आइसोमर एल्किन के आइसोमर ब्यूटीन यू पीपल नो हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी फोर एच एट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फर्स्ट आइसोमा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू नंबरिंग जानते हो डबल बॉन्ड के साइड से होगी वन टू थ्री फोर दिस कंपाउंड इज नोन एज द ब्यूट वन इन वन इन क्यू क्योंकि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन नंबर वन एंड टू तो वन एंड टू में वन छोटा नंबर है इसलिए दिस इज वन इन अगेन वी हैव टू चेंज द पोजिशन ऑफ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री अगेन वन टू थ्री फोर नाउ सी द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन नंबर टू एंड थ्री सो दिस कंपाउंड इज नोन एज बी टू इन सी दिस टू कहां पे चेंजेस है टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सी फोर एच एटी है बट पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड में चेंज है सो दिस टू आई सो मच आर नोन एज द पोजिशनल आईसोमर्स ठीक है अब देखो वन मोर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन वी कैन ड्रॉ सी एच थ्री सी सी एच थ्री एक कार्बन को हमने लटका दिए डबल बॉन्ड सी एच टू नंबरिंग वी स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन सो नाउ दिस मिथाइल ग्रुप इज हैंगिंग सो दिस इज नोन एज टू मिथाइल प्रॉप बिकॉज तीन कार्बन है स्ट्रेट चेन में प्रॉप वन इन और इसके कमन नेम है जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आई सो ब्यूटाइलिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई सो ब्यूटाइलिन सो दिस ऑल अबाउट द आईसोमर्स लगभग इतना डिवाइस करने से तुम्हारी इस बार बोर्ड की काम हो जाएगी और फिर इससे ज़्यादा आई सोमर्स हम लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे